स्वागत करते हैं हम आपका नई वीडियो में। ओके अक्सर देश के अंदर रतन टाटा सर के जो ब्रांड है टाटा, उनको अगर नाम लिया जाता है तो भरोसे का प्रतीक माना जाता है। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? अगर हम उनके कोई गाड़ी खरीदते हैं तो सबसे पहले कंसर्न होता है, क्योंकि सभी को पता है कि टाटा की गाड़ियाँ जो हैं काफ़ी ड्यूरेबल होती हैं। बात तो सही है। और उनका पिकअप काफ़ी अच्छा होता है, पर जो उस में हम माइलेज का एड ऑन करते हैं तो कैसा लगेगा? अच्छा, क्योंकि हमारे पास आई हुई है आज 2023 का मॉडल है, जो कि BS6 फेस 2 की गाड़ी है, टाटा टियागो। सच में? CNG फिटमेंट के दौरान हमने उसमें ध्यान रखा था कि फुली ऑटोमेटिक गाड़ी है वो। अच्छा, तो उसके अंदर जो कंफर्टेबल बैठ सके जो CNG किट, वो कौन सी है जो पिकअप भी उसको सही रखे, ठीक है, साथ ही साथ उसके जो इंजन हेल्थ है वो भी अच्छा रहे, ठीक है, और जो उसके 1199 सीसी का इंजन है उसको कंफर्टेबल भी बैठ सके, ठीक इसके साथ जो हॉर्स पावर होती है उसकी 84 की, उसमें जो कम्पीट करना आसानी से हो सके, उसका पूरा ध्यान रखा था हमने। तो इसके लिए हमने उसमें डिजिफ्यूल की किट लगाई है, क्योंकि हमने और भी टाटा की गाड़ियों में लगाया हुआ है, जैसे कि आप फालतू बातों में वक्त बर्बाद मत करो देख सकते हैं, कई सारे हमने नेक्सॉन, टाटा अल्टोस, टाटा पंच और भी टाटा की जितनी भी गाड़ियां आई हुई हैं हमने उसमें लगाया हुआ है कि किस तरीके से हमने कपलर टू कपलर पूरी फिटिंग की हुई है, इंजेक्टर रेल कैसे कनेक्ट किया है, और जो रिड्यूसर है हम इंस्टॉल करने के दौरान कितनी ड्यूरेबल होता है, सारा कुछ इस गाड़ी में फिटमेंट करके दिखाएंगे। और ठीक साथ इसके हम आपको ये भी दिखाएंगे कि जो MGV वाल कार ओनर को चाहिए था, ताकि वो सच में उनका जो बोनट है वो डिस्टर्ब होने से बचे, वो ये चाह रहे थे कि जो पेट्रोल टैंक है वो उसका लीवर ऑन करते ही वो वहाँ से भी फिल करा सके, इसलिए हमने वहाँ पे भी CNG का एक नोजल लगाया हुआ है, उसको भी कवर करेंगे। बूट स्पेस कितना बचता है, क्योंकि ये है हैचबैक गाड़ी होती है तो इसमें स्टेपनी जो है खड़ी आती है, तो उसका भी ध्यान रखेंगे कि कितने किलो का सिलेंडर लगाया हमने, वो भी हम आपको बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आएगा ना भिड़ो कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि ऑटोमेटिक गाड़ी में जब हमने फिटिंग की है तो पूरा सिम वही लेआउट तो वही होगा। यहाँ पे फिलिंग वाल लगाया था, जहाँ से ये वाला जो पाइप है ये रिड्यूसर को कनेक्ट करता है, ताकि जो आपका CNG है फिर दोबारा इसमें प्रोवाइड की जा सके। नीचे वाला जो है वो सिलेंडर से कनेक्ट होता है, पहले भी कई बारी बता रखा है कई वीडियो में। तो रिड्यूसर ठीक हमने यहाँ पे लगाया है, देख सकते हैं, और ये रबड़ पाइप में क्लेम का पूरा इस मजबूती के लिए ध्यान रखा गया है। ठीक इसके साथ यहाँ से जो रबड़ पाइप जा रहा है इस दौरान, यहाँ पे पूरा ध्यान रखा था कि जो मैप सेंसर लगाया गया है उसका एग्जैक्ट पकड़ मजबूत रहे, इसलिए क्लेम्प इसमें भी लगाए हैं। और ठीक इसको आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे हमने इंजेक्टर रेल को कनेक्ट किया है, और ठीक इसके साथ में यहाँ वायरिंग देख सकते हैं, वायरिंग जा रही है जो कि प्रॉपर टेप की हुई है, और उसको हमने यहाँ से निकालते हुए 48 पिन की जो कॉम्बिनेशन होता है इसी से निकलता है, ये ECM यहाँ पे लगा हुआ है देख सकते हैं। BS6 की गाड़ी फेस 2 की है, तो हम आपको दिखा देते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन जो जहाँ से निकल रहा था, जितने कॉम्पोनेंट जहाँ कनेक्ट होने थे वहाँ वहाँ से नहीं दिखा पाएंगे, मगर आप देख सकते हैं कि और भी वीडियोस में जाके देख सकते हैं कि आपको जहाँ पे हमने वायरिंग जैसे कनेक्ट होते हैं वहाँ वहाँ पे बिछाई हुई है। ठीक है, अभी दिखा देते हैं हम आपको कि जो हमने यहाँ पे बटन लगाया हुआ है उसका कितना ध्यान रखा था कि विजिबिलिटी काफ़ी आसान रहे। कार ओनर ने कहा था कि यहाँ पे लगा दो तो चलेगा। ठीक इसके साथ देख सकते हैं कि ये विजिबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ से काफ़ी अच्छे से दिख जाता है कि कितनी आपकी CNG अभी बची हुई है टैंक के अंदर। ठीक इसके साथ हम आपको बताते हैं कि ये जो हमने फिलिंग वाल लगाया है यहाँ पे प्रॉपर उसका ध्यान रखा था देख सकते हैं, और ये जो
हमने जब ये से लगाया था तो यहाँ से पूरा ध्यान रखा था कि फिलिंग के दौरान आप यहाँ से भी फिल करवा सकते हैं और अपने बोनट को डिस्टर्ब होने से बचा सकते हैं। ठीक, हमने यहाँ पे लगाया हुआ है प्लेट ताकि जो आप अगर कोई इनर चेकिंग के लिए मांगता है तो आप यहाँ से भी दिखा सकते हैं, इसका पूरा ध्यान रखा था हमने। बाकी आपको बोनट खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इससे। दिखाया कि किस तरीके से हमने फिटिंग की हुई है और उसका जो रिड्यूसर था फिलिंग वाल्व, उन दोनों को कैसे जॉइंट किया गया एक दूसरे से ताकि जो सीएनजी का फ्लो है वो दोबारा यूटिलाइज किया जा सके आसानी से। बात करते हैं यहाँ पे जो बटन लगाया था सीएनजी का, बटन के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि जब बटन में आप देखेंगे कि आपने सीएनजी टैंक पूरा फुल करवा रखा है तो साइड के लाइटें जो हैं ब्लिंक पूरी ऊपर जल जाती हैं ऊपर तक, और आपको परसेंटेज के हिसाब से पता चल जाता है कि आपके टैंक में अभी कितनी सीएनजी अवेलेबल है। और इन फ्यूचर कभी आपको सीएनजी से कन्वर्ट करना हो पेट्रोल में तो वो बीच में बटन था। अबे जल्दी बोल, सारी उम्र मैं जो जब बड़े आ रहा, वो उसे दबा देंगे तो वो पेट्रोल में लाइट जल जाएगी जिससे कि पता चल जाएगा आपको कि आपकी गाड़ी इस टाइम पे पेट्रोल में चल रही है। ठीक, इसके साथ आप सीएनजी में चलाना हो तो सीएनजी का कन्वर्ट करने के लिए भी बटन दबा सकते हैं, वो सीएनजी में बटन जो लाइट है जल जाती है। सबसे जरूरी बात करते हैं इसके बूट स्पेस की। तो हमने आपको दिखाया कि कितने किलो का सिलेंडर हमने उसमें फिल करा है, फिट किया है। उसके फिलिंग जब हमने कराई तो गैस उसके अंदर आई थी 8 किलो से ज़्यादा, जो कि इन सिटी में आपको 18 से ज़्यादा, जो कि टोटली अगर आप देखें पूरे सिलेंडर में आपको 150 से भी ज़्यादा का किलोमीटर का माइलेज मिल जाता है। और अगर आप हाईवे में जाएंगे तो 200 से भी ज़्यादा का माइलेज मिल जाता है। बूट स्पेस कम होता है, जैसे मैंने पहले वीडियो में ही बताया था कि हैचबैक गाड़ियों में बूट स्पेस कम होता है तो स्टेपनी जो है खड़ी स्थिति में आती है। और ठीक उसके ऊपर वाला जो कंपार्ट था वो आप देख सकते हैं कि उसमें भी थोड़ा सा सामान ले जा सकते हैं आप। बात करते हैं सबसे जरूरी था जो एनजीवी वाल्व के लिए, तो एनजीवी वाल्व जो होता है उस पर हमने पूरा ध्यान रखा था कि जो फिटमेंट के दौरान गाड़ी में तो पहले स्क्रैच ना आए, इसका पूरा ध्यान रखा। ठीक, इसके साथ हमने वो भी ध्यान रखा था कि जो जैसे कि हमने आपको फिर उसमें भी दिखाया था कि जब हम लगाते हैं तो जो पेट्रोल टैंक का ढक्कन है वो उसे बंद करने के दौरान वो लड़े ना, इसका पूरा ध्यान रखते हैं और आसानी से बंद हो जाए, खुल भी जाए, इसका पूरा ध्यान रखा था हमने। ये थी छोटी सी जानकारी कि ऑटोमेटिक गाड़ी में कैसे हम सीएनजी फिट करते हैं और उसकी कैलिब्रेशन कैसे करते हैं। इसके बारे में तो हमने और भी वीडियोस में बताया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं चैनल में। और ठीक, इसके साथ हमने आपको कवर करके भी दिखाया कि जो टाटा की गाड़ियाँ होती हैं, टाटा की गाड़ी सेफ्टी के मामले में सबसे ऊपर अव्वल दर्जे में आती हैं, और अगर उसमें माइलेज ऐड कर दिया जाए तो सबकी फेवरेट हो जाती है, क्योंकि जो हम अपनी सबसे ज़्यादा अपने लाइफ का सबसे बड़ा पार्ट जो सेविंग्स का होता है वो अपनी कार में खर्च करते हैं, और कार में इसलिए खर्च करते हैं ताकि हम जब ड्राइव करें या हमारी फैमिली ड्राइव करती है तो सेफ रहे, इसलिए हम उसका भी पूरा ध्यान रखते हैं कि अच्छा एक्सपीरियंस, यूज़र एक्सपीरियंस दे सके, सेफ्टी का भी पूरा ध्यान दे सके। अरे कहना क्या चाहते हो, इसलिए एवी ऑटोमोबाइल को जरूर इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कितने इन्फॉर्मेटिव लगी। और ठीक, उसके इसी के साथ साथ आप जरूर लाइक शेयर करिएगा।